हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब 16 साल के लंबे समय के बाद इंडिया को फाइनली जस्टिस मिलेगा। पाकिस्तान ओरिजिन का अमेरिकन नागरिक तहव्वुर राणा, जिसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी 26/11 आतंकवादी हमले की, इसे इंडिया भेजा जा सकता है प्रत्यर्पण की संधि का इस्तेमाल करके। देखो, इंडिया और अमेरिका की बहुत ही पुरानी ट्रीटी है, जहां पर इंडिया अमेरिका कह सकता है कि ये आदमी है, इस पर हमें केस चलाना है इंडिया में, तो वह आदमी इंडिया भेजा जाएगा। तो अब मैं कहूंगा कि तहव्वुर राणा इंडिया में आने वाला है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और धीरे धीरे करके जिन लोगों ने भारत पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था, उनको हम प्रॉपर तरीके से भारत में इंडियन कोर्ट में सजा दे पाएंगे। और देखो, आप यहाँ पर देख पाओगे कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से 1 साल पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तहव्वुर राणा 26/11 का जो मास्टरमाइंड है, बहुत ही जल्द इंडियन जुडिशरी को फेस करेगा। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि 26/11 में हुआ क्या था और कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे। देखो, 26 नवंबर 2008 की वो तारीख थी जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी निकलते हैं और इंडिया पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जो है ना, कई जगह मुंबई में आतंकवादी हमले करने वाले हैं और ये आतंकवादी जो है ना, आपस में बंट जाते हैं, जहां 2 आतंकवादी ट्राइडेंट होटल में जाते हैं, 4 आतंकवादी ताज होटल में जाते हैं और भी कई जगह आतंकवादी जाते हैं, और जो मुंबई के मासूम लोग हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो अटैक स्टार्ट हुए थे, तो जो तारीख थी 26 नवंबर, ठीक है, और महीना नवंबर का था, ये अटैक 26 से लेकर 29 तारीख तक लगातार हुए थे। और इंडिया के जो एनएसजी कमांडोज हैं, ठीक है, उन्होंने लगभग सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया था, जिसमें से अजमल कसाब को इन्होंने जो है जिंदा पकड़ा, या उसी टाइम पे पकड़ लिया, और उस पर कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। और साल 2008 से लेकर 4 साल बाद, यानी कि साल 2012 में जाकर इसको जो है फांसी की सजा दी जाती है। अब जो 4 साल का टाइम पीरियड था, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम पीरियड था, कि वो व्यक्ति जो खुलेआम मासूम लोगों को मार रहा है, 4 साल लग जाते हैं उसे सजा देने में। ये कहीं ना कहीं दुविधा थी भारत के लिए। और जो मुख्य व्यक्ति मास्टरमाइंड में थे, वो आज भी कहीं ना कहीं भारत के जस्टिस से दूर है, ठीक है। अब देखो, ये जो अटैक हुआ था, ये लश्कर ए तैयबा ने करा था और ये एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन है, और इसको लीड करता है हाफिज सईद। आपने कई बार सुना होगा कि हाफिज सईद को पकड़ने की कोशिश जो है ना, काफी बार इंडिया ने करी है, लेकिन अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। जब से 26/11 हमला हुआ है, तब से हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का हेड हो गया था, लेकिन इस संगठन को प्रॉपरली चलाने वाले व्यक्ति थे जाकिर रहमान लखवी, ठीक है। अब इन्होंने ग्राउंड लेवल प्लानिंग करी थी और इनका साथ दिया था 2 लोगों ने, एक का नाम था डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा आदमी था यहाँ पर तहव्वुर राणा, जिस पर आरोप लगता है कि इसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी और आतंकवादियों को प्रॉपर ब्लूप्रिंट दिया था कि कैसे तुम इंडिया में एंट्री करोगे, कहाँ पर अटैक करोगे, किस तरीके से इंडिया में लोगों को मारोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखी कि ये राणा जो है डेविड कोलमैन हेडलिंग का चाइल्डहुड फ्रेंड था, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये हेडली जो है, ये नाम बहुत ज्यादा सुनने में अमेरिकन लग रहा है, इसको इंडिया से क्या दिक्कत थी। तो देखो, इसका असली नाम है दाऊद सैयद गिलानी और इस आदमी के पिता पाकिस्तानी थे और उसकी जो मदर थी ना, वो अमेरिकन थी। अब इस आदमी ने डेनमार्क का एक न्यूज आउटलेट है उस पर अटैक प्लान किया था। 26/11 मास्टरमाइंड इसने प्लान किया था, इसमें भारत का, ठीक है, भारत के लिए जो अटैक प्लान हुआ था वो इसने किया था। अब देखो, भारत ने इसमें कहा है कि इस आदमी को भी इंडिया भेजो, हम इस पर भी मुकदमा चलाएंगे, लेकिन अभी अमेरिका जो है इस आदमी को भेजने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा आनाकानी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, इस तरीके की चीजें हैं। अब फ्यूचर में देखिए, पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि ये आदमी जो है इंडिया में आए, वो सब आदमी इंडिया में आए जिन लोगों ने भारत पर अटैक किए हैं, ठीक है। अब आपके मन में ऐसे ही एक और सवाल आएगा तहव्वुर राणा के बारे में, कि ये आदमी इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया। देखो, इस आदमी ने पाकिस्तान आर्मी में एज अ मिलिट्री डॉक्टर जो है सर्व कर रखा है, बाद में ये कनाडा चला गया, फिर अमेरिका भी चला गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब इसका फ्रेंड हेडली पकड़ा गया, तो उसने ओपनली बोला कि हाँ, राणा आतंकवादी हमले में शामिल था और इन दोनों ने मिलकर 26/11 आतंकवादी हमला प्लान किया था। अब देखो, हम इन लोगों को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए भी था क्योंकि इन हमलों में जो है ना, अमेरिका के बहुत सारे नागरिक मारे गए थे और भी देशों के नागरिक मारे गए थे। लेकिन अब अच्छी बात इसमें यह है कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के बाद में राणा तो देखो भारत में आ ही जाएगा, और इसी तरीके से हाफिज सईद और बाकी के जो भी आतंकवादी हैं,
इटली हो जाए, जो भी हो, उन सबको हमें पकड़ना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि 26/11 का प्रॉपर जस्टिस हो पाया है। और देखो थैंकफुली एक्सटेडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया है। अगर ये साइन नहीं हो रखी होती तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पाती। अब सवाल ये बनेगा कि ये ट्रीटी क्या है, किस तरीके से इसमें चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। देखो ये संधि जो है ना, किसी आरोपी व्यक्ति को एक राज्य देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने को बताती है, जहां उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है। जब प्रत्यर्पण संधि जो है लागू होती है, तो भगोड़े को गिरफ्तार करने और उसे मांगने वाले देश में ले जाने के लिए प्रत्यर्पण वारंट जारी किया जाता है। और भारत में भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत जो है शासित होता है। और भारत की वर्तमान में 39 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अल्डरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को आरोपों का सामना करने के लिए पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसे और उसकी पत्नी को शर्त पर प्रत्यर्पित किया गया था कि उन्हें जो है भारत में मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरोपीय कानून ऐसे देश में प्रत्यर्पण को रोकता है जहां मृत्युदंड का प्रचलन। ठीक है, ये पूरा कुछ टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो अच्छा समझ में भी आया होगा, प्रत्यर्पण की संधि समझ में आई होगी, 26/11 का अटैक समझ में आया होगा, आगे की क्या सिचुएशन होने वाली है, भारत किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ में अपने जो है कदम चल रहा है, अपनी चाल चल रहा है, आगे क्या चीजें रहने वाली, वो आपको समझ में आया होगा। बाकी यूपीएससी मेंस में पॉलिटिकल साइंस, जियोपॉलिटिक्स, एक्सटर्नल अफेयर, ये सारे जो चीजें हैं, देखो हमारी जो सीरीज है ना, मैं टारगेट करता हूँ मेन तरीके से कि आप मेंस में भी अच्छे से आंसर को लिख पाओ। ठीक है, आपका जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है उसमें जब क्वेश्चन बने तो आप उसमें कहीं ना कहीं जो है ना अपनी चीजों को एनहेंस करके लिख पाओ, अच्छे नंबर इंक्रीज कर पाओ अपने। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग, मैं आपको शो करता हूँ, हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, और चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप ये देखो एंशियंट हिस्ट्री विद एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, इन सब के साथ ही 28-29 करीब लेक्चर है, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप लोग चैनल में जा करके उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था। ठीक है, बाकी इसमें जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके सामने लाता ही रहूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से, और जियोपॉलिटिक्स सीरीज हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।